हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, इन्फिनिक्स के नोट 12 5G डिवाइस के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक करने लगे गाइस कि अपने फ़ोन में DTS साउंड कैसे ऑन करके यूज़ करेंगे अपने फ़ोन के म्यूजिक में, वीडियोज़ में एंड गेम्स में। गाइस हम आपको बताएंगे किस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अपन चलते हैं गाइस अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में जिससे आप अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। देन गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आप क्लिक करते हैं गाइस। तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पर DTS साउंड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होता है जहाँ पे आपको देखिए स्मार्ट का, म्यूजिक का, वीडियोस का एंड गेम का ऑप्शन मिलता है। देन गाइस आपको नीचे में इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप अपने फ़ोन की म्यूजिक की साउंड को जो है गाइस सेटअप कर सकते हैं। उसको यहाँ पे आपको काफ़ी सारे देखिए आपको यहाँ पे जो टूल्स हैं मिल जाते हैं। देन आपको गाइस यहाँ पे अगर आपको म्यूज़िक में चाहिए तो आप यहाँ से म्यूज़िक में इसको यूज़ मीस म्यूज़िक साउंड में जाकर के इसको अपने म्यूज़िक को गाइस चेंज कर सकते हैं, वॉइस में, बेस में, ट्रेबल में या फिर वाइड इन फोन ट्रेडिशनल में गाइस आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उसको वीडियो को भी कर सकते हैं गाइस। देन इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के गेम्स को भी कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आप इस प्रकार से अपने फ़ोन में DTS साउंड को इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं DTS साउंड में भी। देन गाइस इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।